दोस्तों, वैसे तो आम तौर पर हम सभी ने चिड़ियाघर देखे होंगे, जहां जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और लोग पिंजरे के बाहर खड़े होकर जानवर को देखा करते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसे चिड़ियाघर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जानवर नहीं बल्कि इंसानों को पिंजरे में रहना पड़ता है और जानवर खुले आम बाहर घूमते हैं। चीन के चोंगविंग शहर में लेह लेटू वाइल्ड लाइफ जू नामक एक ऐसा अनोखा चिड़ियाघर है, जहाँ इंसान पिंजरे में रहकर जानवरों को देखते हैं। ये पिंजरा देखने में इतना मजबूत तो दिखाई नहीं देता, लेकिन खतरनाक होने के बावजूद यहाँ लोग आते हैं और खुद अपने हाथों से इन जानवरों को खाना भी खिलाते हैं। इस चिड़ियाघर में अलग अलग देशों से भारी मात्रा में पर्यटकों का आना लगा रहता है। यहाँ इंसान से भरे पिंजरों को जानवरों के आसपास ले जाया जाता है, ताकि शिकारी जानवर इतने सारे शिकार को देखकर ललचाएं और पर्यटकों को इन्हें और नज़दीक से देखने का मौका मिल सके। ऐसे में शिकारी जानवर कभी कभी पिंजरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। इस चिड़ियाघर के संरक्षकों का कहना है कि हम अपने दर्शकों को सबसे अलग और रोमांचकारी अनुभव कराते हैं। जब कोई जानवर आप पर हमला करता है और पीछा करता है, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है, ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। इस चिड़ियाघर में सुरक्षा को लेकर काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पर्यटकों को पहले से ही संभावित खतरों के बारे में सावधान कर दिया जाता है। उनकी उंगलियां किसी जानवर का खाना ना बन जाए, इसलिए उन्हें अपनी उंगलियों का हमेशा पिंजरे में रखने की हिदायत दी जाती है। चिड़ियाघर में यहाँ देखने के लिए खतरनाक जानवरों में शेर, बंगाल टाइगर, सफ़ेद बाघ और भालू जैसे जानवर शामिल हैं, जिन्हें आप अपने हाथों से भोजन करवा सकते हैं।